हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक शेयर की। इसमें 18% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 2 महीने में शेयर लगभग 250% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। 360 रुपये के आसपास ब्रेकआउट पर हमने ये सजेस्ट किया था, उसके बाद इसमें लगातार तेज़ी देखने को ही मिल रही है। आज फिर से 18% की तेज़ी है। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट से उनका क्या व्यू है। जिंक यहाँ पर अगर आप देखें तो चांदी की बात हमने शो के दौरान काफी बार की है, इसका सीधा बेनिफिशियरी है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा मेटल स्पेस, बेस मेटल्स यहाँ पर स्पॉट में भी तेजी आ रही है। निफ्टी मेटल इंडेक्स भी जैसे कि हमने आपको बताया कि लाइफ हाई पर चल रहा है, लेकिन 14% का बड़ा मूव है। अब एक बात बताइए, जिनके पास हिंदुस्तान जिंक निश्चित तौर ऊपर है वो क्या होल्ड करें या फिर मुनाफा वसूलेंगे? देखिए, सिल्वर है वो शाइनिंग कर रहा है और हिंदुस्तान जिंक है उसका एक क्लियर प्ले है। यदि आप स्टॉक्स की बात करें तो हमारा ऐसा मानना है कि ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर में तेजी बरकरार रहेगी। कहीं ना कहीं चांदी है वो 1 लाख रुपए को पार करने के लिए तैयार है, जिस हिसाब से चार्ट सेटअप बने हुए हैं। और दूसरा, आप अच्छी बात देखोगे कि सारे मेटल एंड माइनिंग स्टॉक्स चल रहे हैं और सिल्वर भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और इवन इनफेक्ट हमारा मानना है कि सिल्वर प्रोडक्शन में ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो सिल्वर के प्राइस कहीं गोल्ड के प्राइस को बीट करते हुए नजर नहीं आए कंपेरेटिव बेसिस पे। सो हिंदुस्तान जिंक पे ओवरऑल खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि काफी चल चुका है बट अभी भी स्ट्रेंथ है। मेरा ऐसा मानना है कोई भी हल्का सा डिप आए तो लेना चाहिए, जिनके पास है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। 675 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 780-790 के टारगेट के लिए। 780 और 790 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ट्राई